नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल सेंसिंग गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और ऐसे साथी जो अभी तक मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ पहले मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो होती है तो सबसे पहले आपको जो है वो जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोग्राम किसे कहते हैं। CNC मशीन के अंदर और VMC मशीन के अंदर हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं वो होता क्या है अक्सर में, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जो है वो इंटरव्यू देने के लिए अगर कोई जाता है तो वहाँ पर अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ प्रोग्राम, प्रोग्राम किसे कहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल के अंदर बताऊँगा कि एक प्रोग्राम जो होता है उसके अंदर क्या क्या जो है वो चीज़ें मिली होती हैं, उसके अंदर क्या क्या मतलब हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होगा। कि सबसे पहले आज बात करेंगे प्रोग्राम किसे कहते हैं। तो CNC मशीन या VMC मशीन के अंदर कोई भी एक हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं वो किसका ग्रुप होता है, वो होता है आपका ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स। अब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब होता है लाइनें, बहुत सारी लाइनें मिलती है, बहुत सारी लाइनें मिलकर के ही एक जो है वो प्रोग्राम बनाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, जैसे ओ 1 2 3 4, ये एक लाइन हो गई, N1 मान लो डाल दिया हमने, ठीक है, ये एक लाइन हो गई, G28 U 0.0 W 0.0। तो ये एक ब्लॉक है, ये भी एक ब्लॉक है और ये भी एक ब्लॉक है। इसके बाद में जो भी जितनी भी हम लोग लाइनें टाइप करेंगे वो सारी की सारी ब्लॉक होती हैं और इनका एक जो ग्रुप होता है इसको ही हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो इसलिए प्रोग्राम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स, तो ये इसे कहते हैं हम लोग प्रोग्राम। अब बात करते हैं कि ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक जो होता है बहुत सारी लाइनें मिलकर के एक प्रोग्राम बनाती है। और ब्लॉक क्या होता है, अब ब्लॉक किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ द कमांड्स। बहुत सारी जो कमांड होती है, बहुत सारी कमांड मिलकर के जो है वो क्या बनाती है, एक ब्लॉक बनाती है। देखेंगे आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, मान लें यहाँ पे G28 U 0.0 W 0.0 लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कमांड है, G28 जी कोड क्या है, एक कमांड है। यहाँ पर ये भी क्या है, एक कमांड है, और ये भी क्या है, एक कमांड है। तो ये सारे जितने भी जी कोड वगैरह या फिर जो भी वैल्यू वगैरह मिलकर के एक लाइन जो बनती है पूरी की पूरी, उसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक, ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है आपका ब्लॉक। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि कमांड क्या होती है, कमांड क्या है, कमांड होती है कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। अल्फ़ाबेटिक मतलब आपका होता है A B C D इस और जेड तक होता है, और न्यूमेरिकल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज़, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही जो है वो कमांड बनती है। अब देखिए कमांड मैं आपको बताता हूँ, मान लो G01, G01 क्या है, आपका है लीनियर इंटरपोलेशन का एक कोड है, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही वर्ड का आपका जो है वो अल्फ़ाबेटिक वैल्यू और आपका न्यूमेरिकल वैल्यू का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे G क्या हो गया आपका अल्फ़ाबेटिक, एंड ये आपका क्या हो गया न्यूमेरिक, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो यहाँ पर ये क्या बन गई, एक कमांड बन गई, जिसका मतलब होता है G01 लीनियर इंटरपोलेशन एट फीड रेट। फिर उसी प्रकार से मान लो हम लोग और भी कोई कमांड ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कमांड ले लीजिए, कोई भी किसी भी ब्लॉक के अंदर आप CNC मशीन की प्रोग्रामिंग में कोई भी ऐसी कोई भी कमांड ले लीजिए जो मतलब जिसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपका अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को मिला करके ही एक कमांड बनती है, ठीक है। जैसे आप कोई भी एक कमांड लिख लीजिए, यहाँ पर मैंने मान लीजिए लिखा यहाँ पे M08 कोड लिखा, तो यहाँ पे M क्या हो गया आपका अल्फ़ाबेटिक वैल्यू हो गई और M08 क्या हो गया आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर जो है वो एक कमांड बन जाती है जिसका मतलब होता है कूलेंट ऑन, ठीक है। और भी कोई भी आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का, मान लो मैं स्पिंडल स्पीड डालना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर डाला है S1000, तो यहाँ पर क्या S क्या है, ये भी एक कमांड बन गया, ये स्पीड को बताएगा और ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इसके साथ मिल गई, तो स्पिंडल स्पीड को दर्शाएगा कि एक मिनट के अंदर आपका जो स्पिंडल है वो 1000 चक्कर जो है वो काटेगा। तो कमांड जो होती है वो आपका अल्फ़ाबेटिक नंबर्स और न्यूमेरिकल नंबर को मिलाकर के जो है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कमांड बन जाती है। तो आप लोग जो है वो समझ गए होंगे कि जो प्रोग्राम है
प्रोग्राम क्या होता है, ग्रुप ऑफ द ब्लॉक्स, बहुत सारी जो लाइनें होती है प्रोग्राम के अंदर वो मिलकर के एक प्रोग्राम बनाती है। और ब्लॉक किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ द कमांड्स, मतलब बहुत सारी कमांड्स होती हैं वो मिलकर के एक जो है वो ब्लॉक बनाती है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग ब्लॉक के अंदर अलग प्रकार की जो कमांड्स है वो लगी हुई है। उसके बाद में बात करते हैं कमांड की, तो कमांड में क्या होता है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, जो अल्फ़ाबेटिक वैल्यू होती है और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो आपस में मिलकर जो है वो क्या बनाती है, कमांड बनाती है। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जानकारी दी गई आपको जो है वो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।